हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पुनेकर पूजा और आज हम बनाने वाले हैं मांदेली। मांदेली फिश ये समुंदर का फिश है, सी फ्रूड है। इसको हम बनाने से पहले उसको अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे। मांदेली फिश इस तरीके से साफ होती है, ऐसे ही पूरा सिर निकाला जाता है और पेट भी उसके साथ पूरा साफ हो जाता है। ऐसे ऐसे अच्छी तरीके से हमको मांदेली को पहले साफ कर लेना है, अच्छी तरीके से सीर निकाल के पेट भी उसका साफ करना है पूरा। बाद में हमको उसको बनाने के लिए थोड़ा सा नमक, हल्दी, सूजी थोड़ी और मिर्च पाउडर, ये सब चारों चीज़ें लेना है। अभी मांदेली को हमने अच्छी तरीके से साफ किया है, अब पानी से धो लेने वाले हैं अच्छे तरीके से। दो तीन पानी से धो लेना है, थोड़ा सा पेट भी अच्छे तरीके से साफ हुआ है क्या नहीं चेक करना है, सब गंदगी निकल गई है क्या ऐसे देखना है चेक करके। और एक पानी से धोएंगे, एक दो पानी से अच्छे तरीके से धो लिया तो पूरी गंदगी चली जाती है उसमें के, इसलिए एक दो पानी से धोना है पहले। बाद में हम उसका पानी निकल देना है पूरा। अब उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा सूजी थोड़ी डालनी है क्रंची बनने के लिए, और थोड़ी हल्दी और थोड़ा सा नमक डालना है। अभी जितने क्वांटिटी में फिश है उसी क्वांटिटी में नमक भी डालना है। आपको तीखा चाहिए थोड़ा डाल सकते हैं। ऐसे पूरा मिक्स कर लेना है, हल्दी, नमक, सूजी और मिर्च पाउडर ऐसे थोड़ा मिक्स करके से पूरा पूरी जगह से लगा लेना है उसको पूरी अच्छे तरीके से। फिर पैन में पैन गरम करके उसमें थोड़ा सा तेल डालना है। पैन गरम हो गया है, अब इसमें हम मांदेली छोड़ देंगे। ऐसे अच्छे तरीके से एक एक डालने के बाद क्या होता है, अच्छे तरीके से मांदेली फ्राई हो जाएगी। इस तरह से रखना है इसको। बाद में ऐसे होने के बाद इसको हम पलटी करेंगे और दूसरी साइड से भी इसको अच्छे तरीके से पका लेना है। थोड़ा सा ब्राउन होने देना है, एक साइड से ब्राउन हो गया है इसलिए हमने उसको पलटी किया है। सूजी की वजह से क्रंची होने वाला है इसलिए थोड़ी सी सूजी डाली है हमने। ऐसे फ्राई होगा, ऐसे बढ़िया ब्राउन हो गई तो समझो बन लिया। ऐसे बढ़िया से हमारी मांदेली तैयार है, अभी क्रंची और टेस्टी।